हमारे अभिजीत का बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत ऊर्जावान है, यंग भी है, हमारे डीसी साहब, हमारे एडीसी साहब, मैडम एएसपी, सभी एसडीएम, सभी डीएसपी साहब, हमारे सभी एससी, और अगर चेन तक जाए तो डीडीपीओ, बीडीओ, सभी पंचायत सेक्रेटरी, तहसीलदार साहब, सभी अधिकारी, और इससे बड़े मैं कहूंगा, मेरे से पहले डीसी साहब कहते रहे, हमारी पंचायत गांव के हौसलों का जिनका कोई अंदाजा नहीं, जिसका कोई कुंटम ही नहीं था। कई बार ऐसे क्षण होते हैं, ऐसे स्टेज होती है जिसको कैसे कहा जाए। आज हम जो पालिका इस युद्ध को जीत के जो जिस हौसले से या मैं सभागार को भरे बैठे देख रहा हूं, ये वैसा है कि जब इसका क्रिकेट का मैच होता हूं, वर्ल्ड कप का मैच हो, और फाइनल में आने के बाद रन बराबर बने हो, और लास्ट बॉल रह जाए, सामने जो टारगेट दिया हो, और दो रन कम हो, जब छक्का लग जाए, तो पूरा जो आपका स्टेडियम है उसमें सब भीड़ खड़ी हो जाती है, तालियां गड़गड़ाहट, इतना रोमांच और जीवंत प्रदर्शन नहीं हुआ करता, वो आज का ही प्रदर्शन। तालियों की गड़गड़ाहट तो बहुत बार देखी है, पर आज जब भी कोई बोल रहा था तो जो दिल से भी तालियां बज रही थी, मैं उसको भी देखा। ये नेपोलियन जब युद्ध कर रहा था तो बड़ी बारिश हो रही थी, बरसात में फंसा हुआ था, लथपथ कीचड़ में फंसा हुआ था, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा नेपोलियन को, तो अपनी फौज से कहने का कि एक ही लक्ष्य है कि हमें युद्ध जीतना है, भूखे रहो, प्यासे रहो, लड़ते रहो, सोना नहीं। तो मैं सुन रहा था डीसी साहब को, ऐसे मोमेंट्स एक नहीं, हम पे हजारों बार आए, रात के 2 बजे खबर आ जाते थे कि बंद टूटेगा, झूठी खबरें भी आती थी, और उसके बाद भी हमारे आदमी हौसले से हम इस काम में लगे रहे। मैं सरसा के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, मैं भी रात घूम रहा था, कभी 2 बजे पहुंचा था, कभी 3 बजे, हर जगह कोई अंदाजा नहीं था, लोग खड़े होते थे, कहते जी कुछ नहीं, अपने ट्रैक्टर जी वो सब। एक दिन ये बात है, जब तक बाढ़ आई नहीं थी, उससे पहले दिन की बात है, डीसी साहब मेरे साथ गाड़ी में थे, मैंने कहने लगा जी खतरा कभी भी आ सकता है, पानी पीछे बहुत आ रहा है। जब हम हिमाचल का देख रहे थे कि हाईवे टूट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, और उसके बाद ऊपर से मकान गिर रहे हैं, जब वो औरतों की चीखों की आवाज आती थी तो टीवी भी देखने को दिल नहीं करता, तो जब ऐसे देख रहे थे, मैं डीसी साहब से कहने का डीसी साहब खतरा बहुत है, पानी टांगरी नदी, आपका शाहबाद, मारकंडा, घग्गर, सब पानी, उधर राजपुरा पटियाला से सब टूट गया, वो पानी भी हमारे आएगा। हम पूछते थे गुला चिका कितना है, सदुलगढ़ कितना है, हमारे यहाँ कितना पहुंच गया। जब वहां पता लगता कि इतना बढ़ गया तो दिल धड़कने लगता था, और उस वक्त जब हम दोनों इकट्ठे चल रहे थे तो मैंने सीएम साहब को फोन मिलाया, फिर आपकी भी बात कराई, मैं उन्हें कहने लगा ये कोर्ट नहीं करना चाहिए, पर डीसी साहब बैठे मैं करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। मैं कहने लगा जी बहुत बड़ा खतरा है, अगर इतना पानी हम नहीं संभाल सके तो ये लाखों एकड़ में जाएगा, और फिर अगर हम 10,000 रुपया एकड़ भी देंगे तो आप एक अंदाजा लगाए कि कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। और अभी समय अगर इस वक्त हम जेसीबी और पोकलेन भी अगर हम सब जगह हम फेंक देते हैं, जमीदार को हम तेल देंगे, हम सब ये देंगे, हमने 2 मिनट की हमारी डिस्कशन थी, और उसके बाद मैंने डीसी साहब को फोन दे दिया, सीएम साहब से कहा कि ये जरा स्थिति पे आपको ब्रीफ करेंगे, तुरंत उन्होंने बोर्ड लगा दी कि कितने पैसा है, तू पैसा उठाओ, जो देना है दो। इस बात से अगर हमारी जेसीबी मशीन, हमारी पोपलेन चप्पे चप्पे पे नहीं जाते तो गांव वाले भी बेचारे थक लेते, ये भी क्या करते हैं। अगर ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं देते तो हर कोई कहता ट्रैक्टर तो 2 खड़े ले जाओ, पर डीजल नहीं है, डीजल ले आओ। जब ये कहा कि डीजल भी मिलेगा, गांव में पटवारी बैठ गया, सेक्टरी बैठ गया, गिरदावर बैठ गया, कानूनो बैठ गया कि जिसको चाहिए पर्ची बनाओ, तो लोगों के हौसले हो गए, और लोगों ने दिन रात गांव के हजार हजार आदमी खड़े हो गए। कई ऐसे पॉइंट थे जैसे ले जाना ना था, सबसे पहले वहां बुर्ज कर्मगढ़ आया, उस जगह हुआ, तो गांव में तो पानी चला गया था। इसके बाद एक दिन रात को हम सारनी गए थे, डीसी साहब
वही थे कि जी एक पॉइंट नहीं, दो पॉइंट नहीं, चार पॉइंट भाई यहाँ लीक हो रहा है, यहाँ मैडम ESP भी घूम रहे थे रात के 2 बजे। तो ऐसे मौके थे कई बार। आगे जाके फिर आपका इस नकोड़ा के पास, संत नगर के पास, उधर जब घग्गर में लाश हमने राजस्थान के नाल में पाया, मतलब सब जगह देख ये लगता था पानी तो कहीं कम नजर ही नहीं आ रहा था। मैं SDM साहब के लिए बड़ी वहां लोगों ने प्रशंसा करी, वो मिट्टी अगर नहीं डलती, मतलब सभी अधिकारी का, मैं एक ही मैं जहां जो घटना मैंने उसका चर्चा कर लिया, सभी अधिकारियों ने इतना काम करा। गांव में लोगों ने अपने ट्रैक्टर लगा लिए, अपने ढोले लगा लिए, एक एक गांव में अगर हमें 20 ट्रैक्टर चाहिए थे तो 200 ट्रैक्टर लोगों के तैयार हो गए। मेरे सबने बड़ा हिम्मत से काम करा, इसका भी हमें हुआ, पर इससे ज्यादा हमें हौसले ने काम करा। डीजी साहब मैं गलत नहीं कह रहा, हमारे जो अभी प्रिंसिपल थे उमा शंकर जी, उन्हें बड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑफिसर गिनते हैं, मेरे यहाँ DC रहे हैं। और आपने जो यहाँ करा है सर, सजिला इस बात को भूल नहीं सकता, बहुत बढ़िया पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करके जो आपने काम करा, ये एक वाकई बहुत सम्मानजनक, सम्मानजनक से भी ऊपर कहूँ कि इससे ज्यादा ऑनरेबल, इससे ज्यादा कमिटमेंट, इससे ज्यादा डेडिकेशन किसी की नहीं हो सकती, इसलिए भी मैं आपको बनाई। पूरी टीम, सारे ऑफिसर्स ने दिन रात एक करा। मैं उस वक्त रिपोर्ट भी आती कि कई ऑफिसर बीमार पड़ गए, पर बीमार रह के भी काम करते रहे, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और कहने में थोड़ा संकोच करके मैं जरूर कहूंगा, डेरा सच्चा सौदा उनके लिए अलग अलग धारणाएं होगी, किसी को अच्छा लगे नहीं, लेकिन वो एक अलग विषय है उसका, इस बात से ज्यादा नहीं, हम केवल बाट पे कंसंट्रेट बात कर रहा हूं मैं। उनका जो रोल था, अगर डेरा सच्चा सौदा नहीं करता तो एक बांध हमारे हाथ से निकल गया था, वो काबू नहीं आ रहा था, जो इसके आपके चावल में जो था उसमें उन्होंने पानी में तैर के, हमने ट्रियालियां डाल दी, उसके बाद हमने चंद्र लोही की डाली, उसमें पेड़ भी काट के डाल दिए, और उसके बाद भी वो बंद नहीं हो रहा था। वहां उन्होंने रस्से डाल के, रस्से पे तैर के, एक हाथ से रस्सा पकड़ा, एक हाथ से थैला पकड़ पकड़ के उसमें डाला। अगर उसमें आदमी का रस्सा भी छूट जाता तो ट्रालियों में जाके पता नहीं सिर फंसता कहाँ फंसता क्या, बिल्कुल मौत को चैलेंज कर दो लोगों ने कहा। और उनके पास आदमी डाल के करा, उनके मौके पे खड़े रहेंगे सारा देखा। तो ये तो एक ऐसा इवेंट था, इससे ऐतिहासिक कोई बढ़िया समय नहीं हो सकता, जब सरसा पे परमात्मा ने सबसे ज्यादा मदद करी, कि कई बार हम थक भी जाते थे कि अब नहीं आएगा, जैसा आपने एक जगह बताया कि लेंगे मतलब ऐसा हो गया था, और उसके बाद परमात्मा ने साथ दिया, थक भी बैठ गए थे, फिर भी परमात्मा ने साथ दे के हमने करा, एक बड़ा अच्छा मोमेंट था। मैं तो चाहता कभी इसको अगर मौका मिला तो कभी CM साहब से भी मैं कहूंगा कि सरसा के लोगों ने जो फ्लड में काम करा, आप फतेहाबाद देख लेना, आप भी कल चंडीगढ़ से आया था, भुना से लेके फतेहाबाद तक राइट साइड में देखो तो अभी भी 3-3 फुट पानी पड़ा, और पानी पड़ा मिलों में पड़ा अभी तक, और तो दोनों फसलें बर्बाद हो गई। हमारे तो लोगों ने फिर दोबारा जहाँ पानी थोड़ा मतलब 10-12 हजार एकड़ में आया होगा, लोगों ने पानी निकाल के वापस पाइपलाइन से घग्गर में चला गया, वापस नीचे में चला जाता है, दोबारा धोना फिर लोगों को लग गया, और तो दोनों फसलें बर्बाद हो गई। अब कितना पैसा देना पड़ेगा, यहाँ तो मेरे ख्याल में टोटल हमारा 4-5 करोड़ रुपए में निपट गया होगा जी, इतने में सारा काम हो गया। कि हमारी सामित बुद्धि, हमारी समझ, हमारा टाइमली एक्शन, इस बात से हम सारे बच गए, और इसमें आप बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत रहे हमारे। मैं खास करके गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने ट्रैक्टर ट्राले लेके पूरा पूरा गाँव वोड़ते, और खास करके उनको जो लंगर ले लेके आते थे, उन्हें चाय का, रोटी का, खाने का कहीं भी बिना खाए हमें नहीं जाने देते थे, कहते थे आप जब से घूम रहे हो थोड़ा ले लो, लंगर तो लेना पड़ेगा, मतलब पकड़ पकड़ के रोक रोक के लोगों को लंगर खिलाए। मैं सरसा की सामाजिक संस्थाओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ।